हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेगरी सीरीज क्लास बीएससी का कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक में से टॉपिक है ग्रेगरी सीरीज। इट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसी स्टेटमेंट के साथ। ग्रेगरी सीरीज की स्टेटमेंट क्या है कि इफ, ये दो तरह के स्टेटमेंट है इसके, ठीक है। इफ एक्स इज इन बिटवीन माइनस वन एंड वन, अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में, देन tan inverse x की expansion ये होगी according to Gregory series। tan inverse x की expansion क्या है, x minus x cube by 3 plus x power 5 upon 5 minus x 7 upon 7 plus so on up to infinity। that means x, all terms ये आ रही हैं, ठीक है, x cube 5 7 1 plus minus ऐसे चल रहा है up to infinity। तो similarly in the form of theta, वो inverse form है, ये थोड़ा theta form है कि if theta, यहाँ पे x वेरी करता था माइनस वन टू वन, तो थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस फाइव बाई फोर टू फाइव बाई फोर। इफ थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस फाइव बाई फोर टू फाइव बाई फोर, देन तो थीटा, देन थीटा जो थीटा है, थीटा इक्वल्स टू किसके होगा, टेन थीटा माइनस वन बाई थ्री टेन क्यूब थीटा प्लस वन बाई फाइव टेन फाइव थीटा माइनस वन बाई सेवन प्लस माइनस टेन पावर ऑड्स है वन पावर थ्री फाइव सेवन प्लस माइनस वहां पे प्लस माइनस। अब देखो क्या बात क्या चल रही है, सब कुछ टैन की फॉर्म में, एक्सपेंशन ऑफ द टैन समझ लो। अब टैन यहां पे एक्स वेरी कर रहा है माइनस वन टू वन, ठीक है, यहां पे थीटा वेरी कर रहा है माइनस फाइव बाई फोर टू फाइव बाई फोर। अभी आपको ना लास्ट में ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू। क्या वैसे तो कनेक्शन में बता दूं कि टैन जो है हमारा, टैन कहां पे, टैन थीटा कितना होता है कि उसकी वैल्यू वन होती है, दैट इज पाई बाय फोर, पाई बाय फोर। थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर, नेगेटिव पाई बाय फोर से पॉजिटिव पाई बाय फोर तक 45, माइनस 45 से प्लस 45 डिग्री तक वेरी कर रहा है थीटा, और ये उसकी एक्सपेंशन है। अगर हम ऐसी फॉर्म में लिखें, अगर इनवर्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस वन टू वन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan inverse minus x, tan inverse x equals to tan inverse x, sorry, equal to x minus x cube by 3 plus, ये तो वो भी just a statement। अब इसको प्रूफ करना है, वो कैसे करना है अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ बहुत सिंपल है, ये दो तरीकों से हो सकता है, बट अभी हम जो भी जो अपना मेथड अप्लाई करेंगे ना, बहुत सिंपल मेथड है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कोई कम्प्लेक्स नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सपेंशन के साथ, लॉग की एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। तो लॉग की एक्सपेंशन से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो क्या है कि लॉग वन प्लस एक्स इक्वल्स टू, लॉग वन प्लस एक्स की एक्सपेंशन क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स फोर अपॉन फोर प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव माइनस एक्स सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सो ऑन चलता है, ठीक है। ये है हमारी इसकी एक्सपेंशन, लॉग वन प्लस एक्स की, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, क्या इसको यहां पे रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस एक्स बाय एयोटा एक्स, बस इतनी चीज। स्टार्ट क्या करना है, लॉग वन प्लस एक्स की एक्सपेंशन से करना क्या है, रिप्लेस जहां पे एक्स लगा है वहां पे क्या लगा देना, एयोटा एक्स। तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, वी गेट लॉग वन प्लस एयोटा एक्स, तो ये क्या आ गया, एयोटा एक्स माइनस एयोटा एक्स का स्क्वायर अपॉन टू प्लस एयोटा एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री एयोटैक्स की पावर फोर अपॉन फोर, ठीक है, सॉरी एयोटैक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस एयोटैक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स सो ऑन चलता जाएगा, चेक कर लो, यही बात है ना। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप करो, क्या चलेगा कि लॉग वन प्लस एयोटैक्स, तो बन गया एयोटा एक्स माइनस, अब ये क्या गया, एयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन क्या है, प्लस
स्क्वायर अपॉन टू। अब यहाँ पे एओटा क्यूब, एओटा क्यूब को कैसे लिखूंगा, एओटा स्क्वायर, एओटा, एओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस वन, और क्या रहेगा मेरे पास माइनस एओटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एओटा एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एओटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या है हमारे पास एओटा पावर फोर, क्या आएगा एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर तो क्या आएगा माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो वही बात हमारे पास कितना आ जाएगा वन, तो यहाँ पे आ गया एक्स पावर फोर अपॉन फोर माइनस का माइनस। अब एओटा पावर फाइव उसको क्या लिखूंगा मैं, चेक कर लो, एओटा पावर थ्री एओटा स्क्वायर, तो एओटा पावर थ्री की वैल्यू अभी माइनस एओटा, और एओटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो क्या आ गया मेरे पास एओटा, एओटा स्क्वायर माइनस वन है, एओटा क्यू की वैल्यू अभी माइनस एओटा ही है, तो यहाँ पे आ गया एओटा, एओटा क्या रहेगा प्लस एओटा एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव। अब एओटा पावर सिक्स तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एओटा थ्री, एओटा थ्री, एओटा पावर थ्री की वैल्यू माइनस एओटा और माइनस एओटा, तो कितना आ गया एओटा स्क्वायर, तो माइनस वन है मेरे पास, क्या हो गया माइनस माइनस वन है और माइनस वन से प्लस हो गया एक्स पावर सिक्स अपॉन सिक्स, सो ऑन चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। ये तो आप चेक कर लो, पॉज कर सकते हो वीडियो को और इसको नोट ऑन कर सकते हो, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा, इससे नेक्स्ट वाला स्टेप मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एओटा वाले टर्म्स अलग कर लूंगा, विदाउट एओटा अलग कर लूंगा, ठीक है। सो वी गेट लॉग वन प्लस एओटा एक्स इक्वल्स, अब देखो विदाउट एओटा टर्म्स को मैं अलग कर रहा हूं, दैट मींस मैं ऐसी फॉर्म बना रहा हूं ए प्लस एओटा बी की फॉर्म, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म, ठीक है। तो अब विदाउट एओटा ए देखो, ये जो इवन टर्म्स है ना इवन पावर वाली 2 4 6 वो विदाउट एओटा है, तो क्या है मेरे पास एक्स पावर 2 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 6 अपॉन 6, सो ऑन चलता रहेगा ऐसे। देखो ये तो सो ऑन लिखा ना, सो ऑन का मतलब ये टर्म्स आगे कंटिन्यू कर रही हैं, तो कर रही हैं तो इस ये भी टर्म्स कंटिन्यू करती रहेंगी, ठीक है। तो अब प्लस अब विद एओटा वाली टर्म, ये विदाउट एओटा थी, अब विद एओटा, अब यहां से ये देखो एओटा एक्स, एओटा एक्स क्यूब अपॉन 3 एओटा एक्स 5 अपॉन 5, जो ऑड वाली पावर वाली टर्म है ना उनके साथ एओटा, तो एओटा मैंने लिखा लिया कॉमन, तो क्या आ गया मेरे पास एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5, ऐसे चलता रहेगा माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7, सो ऑन चलता रहेगा, चेक कर लो ऐसे ही हमारे पास आगे चलता रहेगा, टर्म्स कंटिन्यू होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने अब ये मैंने 7 अपॉन 7 लिख दिया क्योंकि ऐसे कंटिन्यू रहेगी, यहाँ पे जो टर्म रहेगी ना, यहाँ पे जो टर्म आ गई ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, इस यहाँ पे ही आ जाएगा टर्म एक्स पावर 8 अपॉन 8, तो ये सो ऑन ही चल रहा है, तो इस मैंने लिखा नहीं तो कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है। तो ये मैं सो ऑन भी लिख दूंगा ना कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहेगा सो ऑन, ठीक है। जो इवन पावर वाली टर्म थी उनके साथ एओटा नहीं था, तो मैंने अलग कर दी, मैंने बोला आपको ए प्लस एओटा बी की फॉर्म मैंने लिखी है, और प्लस जो ऑड पावर वाली टर्म्स थी वो विद एओटा थी, तो वो उनमें से एओटा, यहां से एक देखो एओटा 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 और एओटा कॉमन आ रहा है, तो सभी ऑड पावर एक्स माइनस क्यूब अपॉन 3 5 अपॉन 7 माइनस 7 अपॉन 7 प्लस सो ऑन चलता रहेगा ऐसे। तो यहां तक हमने अभी तक किया, अगर आपको ये मैं थोड़ा सा रब करूंगा इससे आगे, तो आप एक बार इसको नोट ऑन कर लो, ठीक है। इसको क्या कर लो, नोट ऑन कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, ठीक है। अब यहां पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, वो फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, वो क्या फॉर्मूला है वो मैं अभी बताता हूं कि अगर लॉग अल्फा प्लस एटा अल्फा प्लस एटा बीटा हो तो उसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कैसे सेपरेट करना, वो अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। बट यहां पे हम क्या करेंगे, नाउ लॉग अल्फा प्लस एटा बीटा इक्वल्स टू, इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में ए प्लस एटा बी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, अगर वो लॉग अल्फा प्लस एटा लिखो आएगा 1 अपॉन 2 लॉग
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए उल्टा टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, ये है इसकी फॉर्म। चेक करो, मैं ये यूज करूंगा यहां पे, इसको यूज करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। लॉग अल्फा प्लस ए उल्टा बीटा इक्वल्स 1 बाय 2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए उल्टा टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। क्या अगर लॉग अल्फा प्लस ए उल्टा बीटा हो तो 1 बाय 2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए उल्टा टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, तो इसको मैं यूज करूंगा यहां पे। ठीक है, तो अगर आप को कोई प्रॉब्लम ना हो तो स्पेस कम है तो आप इसको पॉज कर दो, मैं यहां से रख दूंगा, मैं स्टेटमेंट नहीं रख कर रहा, मैं यहां से रख दूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ क्या किया कि log 1 plus x की एक्सपेंशन लिखी, x minus x square upon 2 plus q upon 3 minus 4 upon 4, तो ये प्लस माइनस टर्म चल रही थी। रिप्लेस किया कि x को बाय iota x के साथ, तो रिप्लेस किया तो मेरे पास ये बन गया, इसको मैंने लिख दिया a plus iota b की फॉर्म में, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको यूज करूंगा, इस आइडेंटिटी इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। ठीक है, तो अब इसके पढ़ अब मैं ये रखता हूं, देखो ये यहां से रखता हूं, ये क्या आ गया, देयरफॉर log 1 प्लस योटा x, अगर ये log अल्फा प्लस योटा बीटा है तो log 1 प्लस योटा x क्या होगा, यहां पे अल्फा क्या है 1 और बीटा क्या है x, अल्फा क्या है 1 और बीटा क्या है x, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाय 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 आ गया, सॉरी log 1 प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे बीटा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए उल्टा टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा एक्स अपॉन 1, तो कितना आ गया एक्स आ गया। ये देख लो, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये देखो log 1 प्लस योटा x था, यहां पे भी log 1 प्लस योटा x है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा कंपेयर करूंगा। ठीक है, कंपेयर कर लूं, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, इसको यूज करके मैंने ये लिखा। ठीक है, ये भी log 1 प्लस योटा x है, ये भी log 1 प्लस योटा, इक्वेशन नंबर 1 भी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 भी, उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो देयरफॉर 1 बाय 2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस योटा tan इनवर्स x इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस में भी मस्ट बी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये दिस इक्वेशन 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 1, तो इसके इक्वल आ गया इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की पावर 6 अपॉन 6 सो ऑन प्लस ए उल्टा x माइनस x क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 सो ऑन। तो ये अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ओनली, मैं क्या करूंगा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं इससे आगे भी रख करूंगा। ठीक है, ये भी आप पॉज करके चेक कर सकते हो। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है टेन प्लस एक्स इक्वल्स टू, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 सो ऑन। चेक कर लो, ये प्रूव करना था टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 7 सो ऑन, सो ऑन का मतलब इनफिनिटी तक चलेगा। चेक कर लो, वही है ना, हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया इस स्टेटमेंट को। अब इस स्टेटमेंट की बारी, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, करेंगे क्या,
बस एक सिंपल सी बात, पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा जो हमारा tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया x, ठीक है, tan इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया, tan इनवर्स x को क्या पुट कर दिया थीटा, तो x क्या हो गया tan थीटा, दैट मींस तो ये इक्वेशन क्या बन गई, tan इनवर्स x को क्या पुट किया थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू x की वैल्यू x इक्वल टू क्या tan थीटा, tan थीटा माइनस 1/3 tan क्यूब थीटा, यही बात है ना 1/3 तो 1/5 tan 5 थीटा माइनस 1/7 tan 7 थीटा सो ऑन अप टू इनफिनिटी व्हिच प्रूव्स द थ्योरम, हेंस प्रूफ, यहां तक हमने प्रूव कर लिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम यहां तक ही यही था कि इस स्टेटमेंट को प्रूफ करो, तो प्रूफ कर लिया, ये थी ग्रेगरी सीरीज, ठीक है। अब इसके साथ में एक रिजल्ट भी लिख लेते हैं, रिजल्ट क्या है, ठीक है, ये थी ग्रेगरी सीरीज, आप इसको पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, सारे स्टेप्स लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नोट कर लो tan इनवर्स x क्या है, अगर हो tan इनवर्स x, x की बजाय कुछ भी हो, x की बजाय 2 हो 3 हो 4 हो, यहां पे भी क्या होना चाहिए 2, दैट मींस अगर लिखना हो tan इनवर्स 2 तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेगरी सीरीज क्या आएगा, 2 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 2 पावर 5 अपॉन 5 सो ऑन, ऐसे x जो भी होगा 2 है तो 2 माइनस 2 क्यूब x क्यूब अपॉन 3 x की पावर 5 2 की पावर 5 अपॉन 5 सो दैट्स द, ये ऐसे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो ये मैं अभी रन कर रहा हूं। अब देखो इस रिजल्ट को, नाउ अब देखो tan inverse x ये तो प्रूव कर लिया, tan inverse x तो x minus x cube upon 3 plus x power 5 upon 5 minus x power 7 upon 7, ठीक है। अगर मैं x को put x equals to 1 तो therefore tan inverse 1 equals to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 so on up to infinity, तो tan 1 कहां पे होता है, tan की वैल्यू tan थीटा कब 1 होता है, एज यू नो tan थीटा 1 कब होता है, एट पाई बाय 4, ठीक है, एट पाई बाय 4 पे, तो ये आ गई tan इनवर्स 1 की, tan इनवर्स 1 की एक्सपेंशन, tan इनवर्स 1 हो अगर ऐसी स्टेटमेंट भी गिवन हो तो हम डायरेक्टली tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, तो क्या किया क्या हमने, ठीक है, tan 1 कहां पे, पाई बाय 4 पे, tan थीटा इक्वल्स टू 1 व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 दैट मींस दिस इंप्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू, इसके अलावा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, tan थीटा 1 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 होगा, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाय 4 के, tan 45 डिग्री पे होता है ना, तो दैट्स व्हाई देयरफॉर पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 7 सो ऑन अप टू इनफिनिटी, तो ये पाई बाय 4 को अकॉर्डिंग टू ग्रेगरी सीरीज, ग्रेगरी या ग्रेगरी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन में ग्रेगरी बोल देते हैं, कुछ ग्रेगरी बोल देते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 3, तो ये हमारी पाई बाय 4 की एक्सपेंशन है अकॉर्डिंग टू द ग्रेगरी सीरीज, ठीक है, जहां पे पाई बाय 4 होगा, अगर यहां पे जहां पे ये स्टेटमेंट गिवन होगी वहां पे हम पाई बाय 4 लिख सकते हैं बाय यूजिंग, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग ग्रेगरी सीरीज, अगर पाई बाय 4 की जगह ये लिखना पड़े तो ये भी लिख सकते हैं, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है।
ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। मैं स्टेटमेंट लिखने देता हूं यार। क्वेश्चन है यूजिंग ग्रेगरी सीरीज प्रूव दैट वन माइनस 1.3 ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 4 माइनस सो ऑन 4/4 माइनस ये माइनस है सो ऑन इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स 1/4 तो ये प्रूव करना है। ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 - 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 2 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 4 पावर 4 माइनस सो ऑन तो ये है। ठीक है अब उन्होंने बोला ग्रेगरी सीरीज यूज करूंगा बट ये ग्रेगरी सीरीज की फॉर्म तो बन रही है तो इसको मैं ग्रेगरी सीरीज की फॉर्म में ऐसे फॉर्म में बना रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म। तो यहां पे मेरे को x माइनस 1/3 x क्यूब चाहिए प्लस 1/5 1/3 1/5 1/7 देखो 1/3 है 1/5 है आगे 1/7 ही होगा दैट मींस नेक्स्ट जो टर्म होगी हमारे पास 1/7 4 पावर 2, 4, और 6 हो जाएगी और प्लस सो ऑन चलता रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं अब लिख लिया हमने कोई प्रॉब्लम नहीं इससे आगे तो मुझे 1/3 है 1/4 है 1/7 है 1/3 1/5 1/7 है बट यहां पे साथ में क्या है यहां पे 4 स्क्वायर 4 पावर 4 तो यहां पे क्या है 1 का क्यूब बट ये 4 जो है एक्स्ट्रा है ये 4 पावर 2 4 पावर 4 4 पावर 6 ही एक्स्ट्रा तो मैं क्या कर रहा हूं यहां से 4 कॉमा निकाल रहा हूं। अब देखो 4 कॉमा निकाल लिया जब कॉमा निकाला तो यहां पे क्या बचा यहां पे तो कुछ है नहीं यहां पे 1 था तो बन गया 1/4 माइनस 1/3 1/3 तो है। अब देखो 4 तो कॉमा निकाल लिया मैंने 4 कॉमा निकाला तो यहां पे बचा 1/4 यहां पे भी क्या आ गया देखो ये अगर मैं 1 - 1/3 4 स्क्वायर यहां से मैं 4 कॉमा निकालूंगा तो यहां बचेगा 1/4 माइनस एक और 1/4 आ जाएगा ना साथ में क्योंकि यहां से मैंने 4 न्यूमिनेटर से कॉमन निकाला है डिनोमिनेटर से नहीं 4 न्यूमिनेटर से तो यहां पे 1/4 आ गया यहां पे 1/4 आ जाएगा। ठीक है तो ये बन गया मेरे पास 4 1/4 माइनस 1/3 4 का क्यूब 4 और 4 का क्यूब बन जाएगा सो यहां पे बन गया मेरे पास 1/4 क्यूब प्लस सारे टर्म में से 4 कॉमन निकाला तो क्या बन गया 1/5 और 1/4 की पावर 5 यहां पे एक एक 4 की पावर बढ़ गई है मेरे पास माइनस 1/7 1/4 की पावर हमारे पास 6 की थी और 7 बन गई प्लस 1 चलता रहेगा ऐसे। ठीक है तो अब देखो इससे नेक्स्ट दिस इज 1/4 माइनस 1/3 तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 3 प्लस 1/5 क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 5 सो ऑन प्लस 1/7 1/4 की पावर 7 तो चेक करो क्या ये ग्रेगरी सीरीज की फॉर्म नहीं है। ग्रेगरी सीरीज हम देखो ग्रेगरी सीरीज क्या कहती है कि x माइनस 1/3 x की क्यूब प्लस 1/5 x की पावर 5 और x यहां पे क्या है हमारा 1/4 1/4 माइनस 1/3 x की पावर 3 अब देखो 1/4 था 1/4 तो 1/3 माइनस 1/3 x कितना होगा 1/4 की पावर 3 1/5 1/4 की पावर 5 तो वही हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेगरी सीरीज ये अगर ग्रेगरी सीरीज है यहां पे x है तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x यहां पे क्या रहेगा tan इनवर्स 1/4 because of Gregory
सीरीज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है, ये था हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। एक और एक क्वेश्चन मैं इसको रख कर, अब वो क्वेश्चन हम जल्दी से करते हैं, यहां पे हमने टाइम लगाया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 by 3 plus 1 by 7 minus 1 by 3 2 by 3 का क्यूब plus 1 by 7 क्यूब plus 1 by 5 2 by 3 की पावर 5 plus 1 by 7 की पावर 5 so on equals to क्या प्रूव करना है, pi by 4। तो इसको प्रूव क्या करना है, pi by 4 की। तो अब देखो क्या करके हमने लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिखा हूं 2 by 3 plus 1 by 7 minus 1 by 3 2 by 3 cube plus 1 by 7 cube plus 1 by 5 2 by 3 की पावर 5 plus 1 by 7 की पावर 5 so on। तो अब देखो 2 by 3 plus 1 by 7 minus 1 by 3 2 by 3 की पावर 3 minus 1 by 3, ये 1 by 3 नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, प्लस 1 by 5 2 by 3 की पावर 5 प्लस 1 by 5 1 by 7 पावर 5 सो ऑन। तो अब देखो मैं कंबाइन क्या कर रहा हूँ, 2 by 3 वाली टर्म्स को कंबाइन कर रहा हूँ। देखो ये ऐसे चल जाएगा, इसको कंबाइन करो तो क्या आएगा मेरे पास, दिस 2 by 3 minus 1 by 3 2 by 3 की पावर 3 plus 1 by 5 2 by 3 की पावर 5 सो चलता रहेगा ना ऐसे, और प्लस बाकी टर्म्स जो बच गई 1 by 7 वाली 1 by 7 minus 1 by 3 1 by 7 cube plus 1 by 5 1 by 7 पर 5 so on। तो क्या यहां से, अब देखो यहां से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल दिया। तो क्या लिखा मैंने 1 by 3 minus 1 by 3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 by 3 की पावर 3 plus 1 by 5 1 by 3 की पावर 5 so on प्लस यहाँ पे 1 by 7 minus 1 by 3 1 by 7 cube 7 cube था ना 1 by 7 cube था, तो 1 और 7 क्या इसको लिख सकते हो, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 by 5 तो 1 by 7 power 5 so on, यही लिख रहा हूँ, चेक कर लो। तो चेक करो अब 2, अब ये किसकी वैल्यू बन रही है, tan इनवर्स 1 by 3 प्लस tan इनवर्स 1 by 7 क्यों, tan इनवर्स x ग्रेगरी सीरीज क्या थी, tan इनवर्स x को x माइनस 1 by 3 x क्यूब प्लस 1 by 5 x पावर 5। अब देखो x कितना है 1 by 3, x माइनस 1 by 3 x, ये x है 1 by 3 क्या है x, माइनस 1 by 3 x क्यूब प्लस 1 by 5 x पावर 5, तो ये किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 1 by 3 का। अब सिमिलरली tan इनवर्स 1 by 7 का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या आपको याद है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, अगर याद है तो अब मैं वो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करूंगा, क्या है हमारे पास tan inverse 2x upon 1 minus x, तो ये हमारा फॉर्मूला, सॉरी 2x upon 1 minus x का, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। अभी मैं रख कर रहा हूँ, स्पेस हमें मेरे से लिखना मुश्किल है यहाँ पे, tan inverse
जो हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये 2 tan इनवर्स x, x क्या है 1 बाय 3, तो क्या आएगा tan इनवर्स 2x, x कितना 1 बाय 3 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर 1 बाय 3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7, तो यहां से मैं रख कर आऊंगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी रख कर दूंगा। स्टेटमेंट में मुझे यार प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि दिस इज दिस स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है पाई बाय 4 के इक्वल, तो पाई बाय 4 के इक्वल प्रूव कर रहा हूं। अब ये अलग है, ठीक है, इसके साथ ही चल लेते ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या है, बस दिस इज इक्वल्स टू यहां से tan inverse 2 by 3 upon 1 minus 1 by 9 plus tan inverse 1 by 7. So this is equals to tan inverse 2 by 3. So 9 minus 1, 8 upon 9 plus tan inverse 1 by 7. So this is equals to tan inverse 2 by 3, 9 by 8. प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7, ठीक है, तो 3 3 4, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 बाय 3 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो ये अगर आपको याद हो तो ये अप्लाई कर दो यहां पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मैं रख कर रहा हूं, क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो यही तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या है tan इनवर्स, तो मेरे पास बच गया 28 प्लस 1 29 अपॉन 21, नीचे बढ़ गया 4 अपॉन 21, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स 29 अपॉन 21 अपॉन 21 माइनस 4 17 अपॉन 21, चेक कर लो, यहाँ पे मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा, हाँ हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने 4 बाय 3 लिख दिया, ये एक्चुअली 3 बाय 4 है, 3 बाय 4, दिस इज 3 बाय 4, वही मैं देख रहा था कि बाय मिस्टेक ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, 3 बाय 4 आ रहा है ना, अब क्या होगा 21 22 अपॉन 28 और यहां पे 3 अपॉन 28, तो 22 अपॉन 28 28 माइनस, ठीक है, तो ये बच गया मेरे पास 28 माइनस 3, तो 25 अपॉन 28, तो यही तो बच रहा है मेरे पास, अब क्या गड़बड़ होगी, 28 माइनस, ठीक तो है, ओहो 1 नहीं 25 आ रहा है मेरे पास, अब देखो एक गलती से दूसरी गलती हो गई, तभी तो बोला कि गलती छुपानी नहीं चाहिए, सच बोल देना चाहिए, एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, दिस इज tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या है हमारा पाई बाय 4, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आज गलतियां कुछ ज्यादा हुई बट चलो फिर भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया।
आई होप कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए ग्रेगरी सीरीज एंड उसके साथ उसके ये दो तीन क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करो और इनके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो आराम से ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।